हेलो गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मानसरोवर विद्याविहार पुनागाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं वसावे संगीता बहन। कक्षा चार, सब्जेक्ट गुजराती, एकम तीसरा। बच्चों, एक से दो एकम हमने देखा, उसमें कहानी भी पढ़ी, गीत भी गाया, अभिनय गीत भी गाया, राग भी सिखाया और कॉपी में भी लिखने के लिए बोला। अभी तीसरा एकम जो है बच्चों, ये हम देखते हैं आगे की ओर। एकम का नाम क्या है? आटला बधा रमकड़ा। आटला बधा रमकड़ा, उद्गार वाक्यों के साथ ये एकम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक गीत है, बहुत बढ़िया गीत है, छोटे बच्चों का अभिनय गीत है, अभिनय से भी हम गा सकते हैं। यहाँ पे गीत हम गाएंगे, मैं गाऊंगी, उसके बाद आपको भी गाना है, राग में गाना है, अच्छी तरह से गीत को गाना है और कॉपी में भी लिखना है। तो ठीक है बच्चों, मैं गाऊं उसको, गीत तो गाना सबको अच्छा लगता है ना। तो मैं गाती हूँ। टर 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 डम 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 टर 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 डम 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 टर टर डम 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 करर मकड़ा कुछ कदम टर टर डम 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 करोर मकड़ कुछ कदम हाथी भाई चले अगर पाछड़ ऊंट सवारी हाथी भाई चले अगर पाछड़ ऊंट सवारी खड़ाक खड़बड़ घोड़ो दौड़े नीसी चोटा मारी खड़ाक खड़बड़ घोड़ो दौड़े अनीसी चोटा मारी चलो सैनिक कदम कदम चलो सैनिक कदम कदम करो रमा कड़ा कूच कदम टरर टरर डम 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 करो रमा कड़ा कूच कदम टरर टरर डम 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 करो रमा कड़ा कूच कदम करो रमा कड़ा कूच कदम। तो बच्चों देखो, ये गीत बढ़िया है, बच्चों को मजा आती है। टर टर ढम 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 करके रमकड़ा यानी खिलौना कुछ करते हैं, आगे की ओर कदम बढ़ते हैं और सभी खिलौने जो है उसमें पहले सबसे पहले कौन चलता है? हाथी भाई। हाथी भाई को आगे चलने के लिए बोला है यहाँ पे, और उसके पीछे किसकी सवारी आ रही है बच्चों? ऊँट की सवारी आ रही है। हाथी भाई चलो आगर पाछड़ ऊंट सवारी, हाथी भाई आगे आगे आप चलो और हाथी भाई के पीछे पीछे ऊंट की सवारी आती है। और ऊंट के पीछे कौन आता है? यहाँ सभी खिलौने को कुछ करने के लिए बोला है, तो सबसे पहले हाथी आगे है, उसके पीछे ऊंट की सवारी है, उसके पीछे खड़ाक खड़बड़ घोड़ो दौड़े, खड़ाक खड़बड़ खड़ाक खड़बड़ जैसा जो उसका पैरों का आवाज आता है जब दौड़ता है ना घोड़ा, तो खड़ाक खड़बड़ घोड़ा दौड़े ने शीश छटा हमारी हमारी तो कैसी मजा देखो। चलो सैनिक कदम कदम, और सैनिक आप भी उसके पीछे कदम कदम पे कदम मिला के चलो और करो रमण कड़ा कूच कदम। खिलौने को कहते हैं कि चलो आप भी सब मिलके कुछ करते हैं, कुछ करते हैं टर्र टर्र ढम 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 करो रमकड़ा कुछ कदम। बहुत बढ़िया गीत है बच्चों, आपको भी गाना है। और यहाँ पे नीचे जो देखो, यहाँ पे क्या दिया है? तमें जे रमकड़ा थी रम्या हो तेमा रंग पूरो, आप जिस खिलौने से खेले होंगे वो खिलौना। यहाँ पे बहुत सारे खिलौने दिए है, ये घड़े का खिलौना है, फिर बतख है, फिर उसके बाद छोटी गुड़िया है, फिर ये
एक ऐसे ही गुड्डा का है, फिर ये ऊँट का है, फिर ये कार का है, बॉल है, गेंद है, मछली है, और ये स्पेस शटल है। तो ये सब क्या है? खिलौने है। क्या है बच्चों? खिलौने है। तो खिलौने के साथ क्या करने के लिए बोला है? कुछ करने के लिए। और जो भी खिलौने से खेले होंगे तो उस खिलौने से खिलौने में रंग भरना है और उसका नाम भी लिखना है। तो ये हो गया हमारा जो अभिनय गीत था पहला 27 पेज पे। तो ये हो गया। अभी 28 पेज नंबर पे देखो बच्चों क्या है। यहाँ पे बातचीत में तमने रमकड़ा रम्मा गमे छे, आपको खिलौना खेलने अच्छा लगता है? किसी को नहीं अच्छा लगता बच्चों? चलो बोलिए जी। तमने रमकड़ा रम्मा गमे छे, आपको खिलौने खेलना अच्छा लगता है? तो इसका उत्तर आप खुद को लिखना है। जिसको अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है, और जिसको नहीं लगता तो नहीं लगता लिखना है। तमे क्यारे रमकड़ा थी रमो छो, और आप कब खिलौने से खेलते हो, कब खेलते हैं, वो अपने हिसाब से जवाब लिखना है। क्यों रमकड़ू तमे, क्यों रमकड़ू तमे कोई ने नो आपो, और आपको सब खिलौने जो है उस खिलौने में से सबसे अच्छा खिलौना कौन अच्छा लगता है, जो आप किसी को भी वो खिलौना खेलने नहीं देते और अपने पास ही रखता है, उसका नाम लिखना है। जो भी खिलौना आपको जो खेलते हैं ना बच्चों, तब खेलते खेलते आपको कौन सा खिलौना अच्छा लगता है उसका नाम लिखना है। और चौथा प्रश्न जो है देखो, चौथे प्रश्न में क्या लिखा है? तुम्हारे कयू रमकड़ू जोइए छे, आपको कौन सा खिलौना चाहिए, कौन सा खिलौना चाहिए आपको, जो भी खिलौना अच्छा लगे वो खिलौने का नाम लिखना है। पांचवा प्रश्न जो है, तुम्हारा भाई के बहन ने कयू रमकड़ू गमे छे, आपका भाई या बहन है घर में छोटे बड़े, तो उनको कौन सा खिलौना अच्छा लगता है वो लिखना। प्रश्न नंबर छ में देखो, कया रमकड़ा ने तुमने बीक लागे छे, किस खिलौना से आपको डर लगता है, कौन सा खिलौना से आपको डर लगता है वो नाम लिखना है बच्चों, कौन सा खिलौना खेलते खेलते डर लगता है। तो ये हो गया पेज नंबर 28। आ प्रकारना प्रश्ननी बाळकों साथे चर्चा करो, इस प्रकार के खिलौने के बच्चों के साथ चर्चा करनी है, और बच्चे मुक्त मन से अपनी बात रजू करे और मित्रों को पूछे ये उचित है या अनुचित है। तो ये सब हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना है खिलौने के बारे में, और सब बच्चों को क्या आपको खिलौने अच्छे लगते हैं बच्चों, तो सब बोलेंगे हाँ खिलौने तो सबको अच्छे लगते हैं। तो खिलौने से खेलने से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है, और खिलौने खेलते हैं तब हमारे मन में कैसी स्फूर्ति आती है ये हमें बताना है। तो आगे की और हम देखते हैं, आगे की और कहानी दी है, ये कहानी है, कहानी का नाम है रमकड़ा वाला रुपेश काका। क्या नाम है बच्चों? रमकड़ा वाला यानी खिलौने वाला, खिलौने जो बेचने वाला, उसका नाम क्या है? रुपेश काका। तो ये कहानी का नाम भी ऐसे ही दी है कि रमकड़ा वाला रुपेश काका, तो खिलौने वाला रुपेश काका। अभी देखते हैं बच्चों ये रुपेश काका की कहानी में क्या कहता है, और कहानी किसके बारे में लिखी गई है। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस यादें ही रह जाती है, बाकी सब सपने। तो हम देखते हैं आगे की ओर रुपेश काका की कहानी को। एक था रुपेश काका, एक कौन था? एक था रुपेश काका, उसका क्या नाम था बच्चों? रुपेश काका था। एमने बाड़ों को खूब गमे, उसे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे।
किसको बहुत अच्छे लगते थे बच्चे? रुपेश काका को। रुपेश काका यानी रुपेश चाचा। रुपेश चाचा को बच्चे कैसे लगते थे बच्चों? बहुत प्यारे लगते थे, बहुत अच्छे लगते थे। रुपेश काका ना संतानों अमेरिका रहवा गया। और रुपेश काका के सभी संतानों कहाँ पे चले गए थे? अमेरिका में रहने के लिए चले गए थे। फिर रुपेश काका अकेले थे और उसको बच्चे बहुत पसंद थे, लेकिन उसके घर में कोई बच्चा था ही नहीं, तो बेचारा खेले किसे। तेमने क्याय गमतू न है। रुपेश काका के पूरे परिवार अमेरिका रहने चले गए। सभी बच्चे बच्चे थे उसके, बच्चे उसके लड़के के बच्चे वो भी चले गए थे। तो रुपेश काका को बहुत अच्छा नहीं लगता था और कहीं पे भी उछुए अच्छा नहीं लगता था, मन ही नहीं करता था रहने का। रुपेश काका ना घरे घना बदा रमकड़ा और रुपेश काका के घर पे बहुत सारे खिलौने थे। रुपेश काका के आसपास ना बाड़कों ने पोताना घरे बोलावा, एक रूम में रमकड़ा गठिया। और रुपेश काका ने क्या किया, खुद के घर में सभी बच्चों को बुलाने के लिए, क्योंकि रुपेश काका अकेले थे तो उसे अच्छा ही नहीं लगता था, इसलिए रुपेश काका सभी आजू बाजू वाले के बच्चों को बुलाने के लिए घर में क्या किया था, एक रूम में खिलौने रख दिए थे। अने पोताना घर ने टॉय हाउस नाम आपी और खुद का घर का क्या नाम दिया था बच्चों? टॉय हाउस। टॉय याने खिलौने, हाउस याने खिलौने का हाउस, खिलौने का घर। फिर देखो आगे क्या है। टॉय हाउस में बाड़कों ने खूबज मजा पड़ती। बच्चे आते थे टॉय हाउस में, वहाँ पे तरह तरह के खिलौने थे, वो लाइन में पड़े थे, तो सभी बच्चे वो खिलौने खेलते थे। जो भी मन में आता था, जो भी अच्छा लगता था, वो खिलौने खेल के बहुत आनंद लेते थे। आ रमकड़ा बाड़कों ने घर ले जवा माटे रुपेश काका एक पाटिया पर लख्यो, और इस खिलौने को घर पे ले जाने के लिए रुपेश चाचा ने एक पट्टी जी थी, लकड़े की पट्टी, उस पे लिखा था, एक रमकड़ो आपी जाओ अने बे लई जाओ, एक खिलौना दे जाओ और दो लेके जाओ। क्यों लिखा था ऐसा बच्चों? के एक खिलौना ले जाओ, दो ले जाओ और एक देखे जाओ। अक्षय और श्रीकांत बे पाका भाई बन। अक्षय और श्रीकांत नाम का दो मित्रों था, वो बहुत उसकी दोस्ती थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी। अक्षय ने रुपेश काका नो टॉय हाउस खूब गमी गई, और अक्षय नाम का जो मित्रों था उसका, श्रीकांत का, तो अक्षय वो टॉय हाउस में आया, खिलौने खिले और अच्छे अच्छे खिलौने थे, तो उसको बहुत मजा आई और टॉय हाउस उसे बहुत अच्छा लगा। ते त्यां घनी बार रमवा जाए, और जब से उसने वो टॉय हाउस देखा तो वो बार बार कई बार खेलने जाता था, पण श्रीकांत तेनी साथे न आवे। लेकिन श्रीकांत उसके साथ नहीं जाता था, वो अकेला जाता था। ये तो आखो दिवस मोबाइल थी ज रम्या करे, कौन आखो पूरा दिन मोबाइल से खेलते थे? श्रीकांत। अक्षय पोतानी पासे रहेलू विमान रुपेश काका ने आपी आव्यो, और अक्षय के पास जो विमान पड़ा था वो रुपेश चाचा को देके आए, अने तेना बदलामा और उसके बदले में बीजा बे रमकड़ा ले आए, और उसके बदले में दूसरे दो खिलौने लेके आया। कौन सा खिलौना देके गया? विमान का खिलौना देके गया, और उसके बदले में दो खिलौने वापस लेके आ गए, एक जेसीबी अने बीजू बलतू वांदरू। तो दो खिलौने में से कौन कौन से खिलौने लेके गए थे बच्चों? एक जेसीबी और दूसरा बंदर, और ये बंदर भी कैसा बोलता है, अपनी भाषा बोल लेता है ऐसा बंदर, ये दो खिलौना लेके गए।
અક્ષય ઘરે આવી બોલતું વાંદરું શ્રીકાંતને રમવા માટે આપ્યું ઓર અક્ષય ઘર પે આયા ઓર વો બોલતા હુઆ બંદર શ્રીકાંત કો ખેલને કે લીએ દિયા શ્રીકાંત ક્રાંતે પહેલા તો ના પાડી શ્રીકાંતને તો પહેલા તો ના બોલ દિયા મના કર દિયા કે નહીં મેં ખિલોના સે નહીં ખેલને વાલા મેં તો મોબાઈલ મેં સબ કુછ દેખતા હું આ વાંદરું તો આપણે જેવું બોલીએ એવું બોલે છે ઓર શ્રીકાંતને અક્ષયને કહા કે યે બંદર તો આપ જૈસે બોલતે હૈ વૈસા બોલને લગતા હૈ એટલે એણે તુરંત મોબાઈલ મૂકીને વાંદરા સાથે વાતચીત ચાલુ કરી ઓર ઉસને તુરંત મોબાઈલ રખ દિયા ઓર બંદર કે સાથ વાતચીત કરને ચાલુ કર દી વાતચીત કરતે કરતે વો બંદર ઉસે બહુત અચ્છા લગને લગા બચ્ચો કો તો ખિલોના બહુત અચ્છા લગતા હૈ ના બચ્ચો તો ઉસકે સાથ વો ખેલને લગે શ્રીકાંત જેવું બોલે એવું વાંદરું પણ બોલે ઓર શ્રીકાંત જૈસા જૈસા બોલે વૈસા વો બંદર ભી બોલે શ્રીકાંત ગુસ્સે થાય તો વાંદરું પણ ગુસ્સે ભરે ઓર શ્રીકાંત જબ ગુસ્સે હોતા થા તો બંદર ભી ગુસ્સે થાય હો જાતા થા દાંત કાઢે તો એ પણ દાંત કાઢે દાંત નિકાલે વો શ્રીકાંત તો બંદર ભી દાંત નિકાલને લગે અક્ષયને પણ આ જોઈ ખૂબ મજા આવી ઓર અક્ષયને ભી યે સબ દેખ કે બહુ મજા આ ગઈ ઉસકે સાથ જૈસા બોલે જૈસા વ્યવહાર કરે વો ભી સામને સે એસા હી વ્યવહાર કરને લગા તો દોનોં કો બહુ યે બંદર બોલતા હુઆ બંદર બહુ અચ્છા લગા તેણે શ્રીકાંતને કહ્યું ઓર ઉસને શ્રીકાંત સે કહા તું એક વાર મારી સાથે ચાલ તું એક વાર મેરે સાથ ચાલ વો ટોય હાઉસ મેં રૂપેશ કાકાના ઘરે તું ચલ મેરે સાથ તો સહી રૂપેશ ચાચા કે ઘર પે એસા તો અનેક ખિલોને હે વહાં પે કિતને ખિલોને પડે હે શ્રીકાંતને ટોય હાઉસ જવાનું બહુ મન થયું ઓર શ્રીકાંત કો ભી ટોય હાઉસ મેં જાને કે લીએ બહુ મન હુઆ એક દિન તે અક્ષય સાથે ત્યાં ગયો ઓર એક દિન એસા આયા વો અક્ષય કે સાથ શ્રીકાંત ભી વો ટોય હાઉસ મેં રૂપેશ કાકા કે ઘર પે પહોંચ ગયા ને પોતાનો મોબાઈલ ત્યાં આપીને તે ગઠથોલિયા મારતું ગલુડ્યું અને વાતો કરતો પોપટ લાવ્યો ઓર એક દિન વો શ્રીકાંત ભી ઉસકે પાસ જો મોબાઈલ થા વો મોબાઈલ ઉસ રૂપેશ કાકા કો દેખો આ ગયા ઓર ઉસકે બદલે મેં ગઠથેલિયા મારતું ગલુડ્યું ગલુડી યાની કે કુત્તે કા બચ્ચા વો છોટા થા વો થોડા ચલતા થા થોડા અચ્છી તરહ સે ઠીક સે ચલ નહીં પાતા તો ગઠથેલિયા મારતું ગલુડ્યું ઓર બાત કરતા હુઆ પોપટ યાને તોતા યે દોનો લેકે આ ગયા એક રવિવાર શ્રીકાંત ફિર દૂસરા રવિવાર એક દિન એક રવિવાર થા તો રવિવાર કે દિન ગયે શ્રીકાંત ઓર અક્ષય અને અક્ષયની બહેન ઉસ દિન કિતને જણ ગયે શ્રીકાંત ઓર અક્ષય ઓર અક્ષય કી બહેન રૂચા નામ થા વો તીનો વહાં પે પહોંચ ગયે કિસકે ઘર પે પહોંચ ગયે બચ્ચો રૂપેશ ચાચા કે ઘર પે ટોય હાઉસમાં જ્યાં જુઓ ત્યાં રમકડા જ રમકડા ઓર ટોય હાઉસમાં જહાં પે ભી દેખો વહાં ખિલોના હી ખિલોના થા ચાવીવાળા રિમોટવાળા તાળી પાડતા કૂદકા મારતા દિવાલ પર ચડતા હોવામાં ઉડતા માથું હલાવતા આંખો પટપટાવતા અનેક રમકડા જોઈને ત્રણેય બાળકો હરખાઈ ગયા રૂપેશ ચાચા કે ઘર પે તીનો બચ્ચે જાતે હૈ શ્રીકાંત ઓર અક્ષય કી બહેન રૂચા તીન પહોંચ જાતે હૈ ટોય હાઉસ મેં તો જહાં પે ભી દેખો વહાં પે ખિલોના હી ખિલોના ચાવી વાલા ખિલોના રિમોટ વાલા ખિલોના કોઈ તાલી બજાતા હૈ એસા ખિલોના કોઈ કૂદકા માર રહા હૈ એસા ખિલોના તો ફિર કોઈ દિવાલ પે ચડ રહા હૈ એસા ખિલોના તો કોઈ હવા મેં ઉડતા હૈ એસા ખિલોના તો કોઈ ઉસકા સિર હલા રહા હૈ એસા ખિલોના કોઈ આંખો પટપટા રહે હૈ ઉસી તરહ ઉસે દેખ કે એસે ખિલોને કો દેખ કે તીનો બચ્ચે તો ખુશી કો પાર નહીં રહા વો તો બહુ ખુશ હો ગયે ટ્રેન થી રમે ટ્રેન સે ખેલે ગુડિયા સે ખિલે રિમોટ સે ગાડી ચલાએ ઓર ભાલુ કો નહાએ ઓર ગલુડિયા યાને
वो कुत्ते का छोटा बच्चा है उसको भगाए, रसोड़े में रसोई बनाए, आम अनेक रीते बाड़ों को आनंद आनंद करवा लाग्या। और सबकी तरह ये बच्चे भी बहुत आनंद आनंद करने लगे, उनको भी बहुत अच्छा लगा, बहुत खेलने की मजा आई और वो खिलौने के साथ वो भी खेलने लगे। आगे देखो बच्चों, तो फिर रुचा ये तो शिक्षक बनी ने बधाई रमकड़ा ने भणवा बेसाड़ी दीता। तो रुचा तो बच्चे को तो क्या है, शिक्षक बनना अच्छा लगता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, और ये सब भी अभी नहीं करते। ये तो रुचा को एक शिक्षक बनने का बहुत अच्छा लगा। और सब जहाँ पे वो रुपेश चाचा के घर पे वो टॉय हाउस में जितने भी खिलौने थे उसको पढ़ाने के लिए बैठा दिया। तो छोटी बच्ची थी, उसे टीचर बनने का शौक होगा शायद, तो वो सभी खिलौने को पढ़ाने के लिए बिठा दिया। बोलतू आंदरू पण भणवा बैठू होतु, और बोलता हुआ बंद वो भी खेलने बैठा। रुचा बहन जेवू बोले और रुचा बहन जैसा भी बोले एवू ए बोले वैसा वो बोलने लगा। પોતાના ચાળા પાડ્યા એટલે બંને બેને એને ક્લાસની બહાર ઊભો રાખી દીધો, ઓર ખુદકા મજાક કિયા તો ક્લાસ કે બહાર વો દોનો કો ખડા કર દિયા। અક્ષયે સાપસીડીની રમત શ્રીકાંત સાથે રમવાનું ચાલુ કરી, ઓર અક્ષયને શ્રીકાંત કે સાથ સાપસીડી કી ખેલ ખેલના ચાલુ કર દિયા। બારી પાસે એક કબૂતર ઓર ખિડકી કે પાસ એક કબૂતર થા, कबूतर को रुचा ने देखा, ये तो इन्हें लेवा दौड़ी और ये तो उसको लेने के लिए वहाँ दौड़ी। त्याँ एक कबूतर तो उड़ी गई, वहाँ पे ये कबूतर तो उड़ गया क्योंकि वो सचमुच कबूतर ही था जीता। इन्हें एम के रमकड़ा नु हंसे, उसको ऐसा लगा कि वो भी खिलौने का ही होगा और इसलिए उसको लेने के लिए वो दौड़ गई थी। बड़ा हंसी पड़ा, सब हंसने लगे, रुचा पण खूब हंसी और रुचा भी बहुत हंसने लगी। तो विद्यार्थी मित्रों, उस जो कहानी है उस कहानी में कितनी मजा आई सुनने में, बहुत बढ़िया कहानी है। रमाकड़ा वाला रुपेश काका, खिलौने वाला रुपेश चाचा के घर पे बच्चे नहीं है, सब अमेरिका चले गए हैं परिवार, और उसे बहुत अच्छे लगते हैं बच्चे, तो अभी क्या करे बेचारा, उसके पास कोई उपाय ही नहीं था। तो उसने क्या किया कि एक टॉय हाउस बना दिया और उसमें सब खिलौने रख दिए, तो सब बच्चे उस वहाँ पे खेलने के लिए आते थे। और उस खेल उस टॉय हाउस में जो जो खिलौने थे वो उसको खेलने के लिए बहुत मजा पड़ जाती थी, और तरह तरह के खिलौने भी वहाँ पे पड़े हुए थे। तो बच्चों, उसी तरह आप ये खिलौना से खेलते रहो और ये कहानी को आगे बढ़ाते रहो, और कहानी में पढ़ते पढ़ते आपको बहुत मज़ा भी आई होगी कि कौन सा खिलौना क्या करता है। आगे हम जवाब देखते हैं, तो जवाब में देखो यहाँ पे क्या दिया है, जवाब लिखो। टॉय हाउस में कया कया रमकड़ा होता, टॉय हाउस में कौन कौन से खिलौने थे, तो यहाँ पे खिलौने का नाम भी दिया गया है, खिलौने कैसे थे, खिलौने कौन कौन से खिलौने थे, खिलौना का नाम यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे कहानी में देख के लिखना। तीसरा दूसरा प्रश्न है, अक्षय ने श्रीकांत कई रमत रमता था, कौन सी खेल खेलते थे बच्चों, सांप सीढ़ी की। बोलतू वांदरू जोईने कोणे मोबाइल मुकी दीधो, बोलता हुआ बंदर को देख के किसने मोबाइल रख दिया था, किसने, श्रीकांत ने। अक्षय कयू रमकड़ू टॉय हाउस में मुक्यू, और अक्षय ने कौन सा खिलौना टॉय हाउस में रखा था, मोबाइल नहीं, अक्षय ने तो विमान रखा था। टॉय हाउस में तमे कयू रमकड़ू मुकवा आपसो, और टॉय हाउस में आप कौन सा खिलौना खेलने के लिए वहाँ पे रखोगे,
यहाँ पे दिया गया है, आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी देने के लिए मन करता हो उसका नाम लिखना है। प्रश्न नंबर 6 दिया है, उसमें लिखा है तमे कोने कोने रमकड़ा आपो छो, आप किस किस को खिलौना खेलने के लिए दे रहे हैं। फिर है 7वां, तमने रुपेश का कना टॉय हाउस में थी कयू रमकड़ो लेव गम से, आपको रुपेश चाचा के घर से टॉय हाउस में से कोई कौन सा खिलौना अच्छा लगेगा लेने के लिए, तो अपने मन से वहाँ पे जितने भी टॉय हाउस में जितने भी खिलौने होंगे उसमें देख के आपका जो भी मन करे वो खिलौना आपको लेना है। तो यहाँ से हमारी जो ये रुपेश का खिलौने वाला जो कहानी थी और करो रमकड़ा कूच कदम आटला बदा रमकड़ा जो एकम छे, हमें पार्ट 1 यहाँ से ख़त्म करते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसा ही नया वीडियो लेके फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक हम छुट्टी लेते हैं, अस्तु, जय हिंद। और ये सब कॉपी में लिखना है बच्चों, सब लिखना भी, और ये का अभिनय गीत जो था वो भी गाना है। तो यहाँ तक हम ये कहानी को पूरी करते हैं, अस्तु।